पिछले कई दिनों से गुजरात की राजनीति में AIMIM की एंट्री की अटकलें लगाई जा रही थी। इसी बीच BTP पार्टी के साथ गठबंधन के लिए पार्टी नेता गुजरात आए हुए हैं। गुजरात में AIMIM की एंट्री पर मुहर लगाते हुए महाराष्ट्र के AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील और पूर्व विधायक पारिस पठान गुजरात दौरे पर आए हैं। इस दौरान भरूच में AIMIM के समर्थकों द्वारा झाड़ेश्वर चौकड़ी निकट उनका स्वागत किया गया। भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ AIMIM के गठबंधन का तख्ता तैयार हो रहा है। ऐसे में विधायक छोटू वसावा के घर AIMIM के नेताओं के साथ बैठक भी की गई। गुजरात में BTP और AIMIM के बीच गठबंधन मामले महाराष्ट्र के सांसद इम्तियाज जलील और पूर्व विधायक पारिस पठान भरूच के मालजीपुरा गांव पहुंचे, जहां BTP के समर्थकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान AIMIM और BTP के नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर बैठक भी हुई। BTP के विधायक छोटू वसावा ने इस पर कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर उन्हें कुछ नहीं मिला है, इसलिए वह OSC के साथ गठबंधन कर रहे हैं और गुजरात में कॉरपोरेशन और स्थानीय चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पूरे भारतवर्ष में हम गरीब लोग, हमारे जो आबादी है, आदिवासी लोग है, मुस्लिम लोग है, OBC लोग है, SC लोग है, तो हमको तो आज़ादी मिली नहीं है देश में। हमने लोगों ने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया था, कभी BJP के साथ भी बात किया था संविधान के बारे में, लेकिन कुछ नहीं किया। हमको कुछ नहीं मिलता है, हमारा बजट भी नहीं मिलता है हमको, और परेशानी करते हैं वो सरकार। इसलिए हमने सोचा कि OBC साहब देश में जो लड़ रहे हैं संविधान लेकर, तो उसके साथ गठबंधन की जो बात हो रही है, इसलिए हम गठबंधन करके हमारा जो हक अधिकार जो है देश में, जो छुपा रहे हैं। अभी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, जो गरीबों को कुछ भी नहीं मिलता है, हमारा इको सेंसिटिव जोन बनाया है और 121 गांव जो है उसकी जमीन छीनने की बात है, TCO पे यूनिटी बनाया है, इसमें 70 गांवों की जमीन ले ली है और होटल मोटल बना के बाहर के लोगों को डालना जो मांगते हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और स्थानीय चुनाव जो अभी आ रहा है, जो पंचायत का है, कॉरपोरेशन का है, इसमें हम मिल के चुनाव लड़ने वाले हैं और परिणाम लाएंगे, रिजल्ट देगी। देखिए, पिछले कई सालों से गुजरात की जनता और विशेषकर गुजरात के युवक ये लगातार आए दिन हैदराबाद जाते थे और अवैसी साहब से यही ख्वाहिश जाहिर करते थे कि हमने भी, MIM पार्टी ने भी गुजरात में आना चाहिए। अब ये समझते हैं हम आज कि एक सुनहरा दिन इस वजह से मान रहे हैं कि वो ख्वाहिश आज गुजरात की आवाम की पूरी हो रही है, और हमें खुशी इस बात की है कि हम जिसके साथ यहाँ पर आ रहे हैं उनके बारे में जितना हमने पता किया, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी अवैसी साहब के पास आई और उन्होंने कहा कि गठबंधन। हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि छोटू भाई वसावा साहब, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक मिशन के तहत लगाई है, उनके साथ हमें आज जोड़ने का मौका मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि गुजरात के अंदर हम कदम रख रहे हैं तो एक ऐसे शख्स के साथ, एक ऐसी पार्टी के साथ जिन्होंने राजनीति कम की है, सेवा ज़्यादा की है। और यही काम असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद के अंदर आप देखेंगे उनका काम जो है। और हमने ये नोट किया है कि जिस दिन से ये घोषणा की गई थी छोटू भाई वसावा साहब की तरफ से, असदुद्दीन अवैसी साहब ने जब ट्वीट किया था कि हम गुजरात में आ रहे हैं, तो जो उत्साह लोगों के अंदर हमको देखने को मिल रहा है, जो रिस्पॉन्स लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, मैं तो कई सारे राज्यों के अंदर जाता हूँ, मैं आज ये समझ सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा उत्साह है, फिर बिहार गए तो ऐसा लगता था बिहार, लेकिन आप गुजरात में अवैसी साहब नहीं आए हैं, अभी तक नहीं पहुँचे हैं, उसके बावजूद जो उत्साह है, तो यकीनन लोगों की एक ख्वाहिश थी कि एक ऑल्टरनेट के तौर के ऊपर कोई ना कोई यहाँ पर आए, कि AIMIM और BTP एक साथ में मिलकर आएंगे तो एक बहुत ताकतवर एक हमारा अलायंस रहेगा और अच्छे इश्यूज़ के ऊपर है, तो हम आगे की जितने भी चुनाव रहेंगे उस ताल्लुक से हम लोग आगे बढ़ें।